हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के सीजन 12 को जज कर रही है। आए दिन नेहा कक्कड़ के इस शो से जुड़ी कोई ना कोई खबर सामने आ ही जाती है। वहीं अब इस शो से जुड़ी एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जिसे जानने के बाद यकीनन नेहा कक्कड़ के फैंस को झटका जरूर लगेगा। रिपोर्ट्स की माने तो इंडियन आइडल सीजन 12 के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। खबर है कि इंडियन आइडल का ये सीजन 27 मार्च को खत्म होने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने, इंडियन आइडल के सीजन 12 पर जल्द ही ताला लगने वाला है। खबरों की माने तो शो के ऑफ एयर होने के 3 वीकेंड यानी कुल 6 एपिसोड्स बचे हैं, तो शो बंद करने के पीछे इसकी कम टीआरपी बताई जा रही है। दरअसल जब शो शुरू हुआ था तब इसकी टीआरपी काफी अच्छी थी, लेकिन लगता है शो से विवाद जुड़ने के चलते लोगों ने नेहा कक्कड़ के इस शो में दिलचस्पी दिखाना बंद कर दिया है। यह हर किसी को पता है कि नेहा कक्कड़ का ये शो कुछ दिनों पहले ही विवादों में फंस गया था। दरअसल कुछ दिनों पहले ही इस शो में बॉलीवुड के मशहूर गीतकार संतोष आनंद जी नजर आए थे। यूं तो उन्हें शो में सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन नेहा कक्कड़ ने जिस तरह उन्हें सम्मान के तौर पर 5 लाख रुपए दिए, वो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया, जिसके चलते नेहा को ट्रॉल करना शुरू कर दिया गया। लोगों का कहना था कि नेहा कक्कड़ को अगर पैसे देने ही थे तो शो पर देने की क्या जरूरत थी, शूटिंग के बाद भी दिए जा सकते थे। इस एपिसोड के बाद नेहा कक्कड़ को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था, साथ ही शो के मेकर्स को भी कुछ लोगों ने खरी खोटी सुनाई थी। हालांकि उस विवाद के बाद खुद संतोष आनंद भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें शो में सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था, साथ ही उन्होंने नेहा की भी जमकर तारीफ की थी। खैर, लगता है कि ये विवाद शो पर कुछ ज्यादा ही हावी हो गया है, जिसके चलते हो सकता है कि जल्द ही ये शो बंद हो। वहीं इसके अलावा शो को बंद करने के पीछे और भी तरह की खबरें सामने आ रही हैं। खबरें हैं कि सोनी पर 27 मार्च से एक नया शो शुरू हो रहा है, जिसका नाम है सुपर डांसर चैप्टर 4। इस शो की टाइमिंग हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे रखी गई है। फिलहाल इस समय पर इंडियन आइडल 12 टेलीकास्ट हो रहा है। बस यहीं से फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि मेकर्स आनंद फानंद में एलिमिनेशन कर शो को खत्म करने और इंडियन आइडल 12 को नया रिप्लेसमेंट देने की सोच रहे हैं। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि शो के मेकर्स शो को एक नए समय पर रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि शो की टाइमिंग आगे खिसका सकते हैं। अब देखना होगा कि मेकर्स क्या फैसला लेते हैं। वैसे आप इस पूरी खबर पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।